खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां लूट की घटनाएं अब थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आए दिन बेखौफ लुटेरे पुलिस को चुनौती देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ताजा मामला एटा के थाना जैथरा क्षेत्र के घुमरी जैथरा रोड का है, जहां एक पशु व्यापारी से बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने तमंचे की नोक पर 1 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बताते चले कि सिटपुरा के रहने वाले कुरैशी धुमरी में पशु बेच कर घर जा रहा था, और तभी बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और लूट करने के बाद आरोपी आराम से फरार हो गए। वहीं इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि बाइक सवार बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम बनाई गई है और बहुत ही जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज प्रातः काल जो है वहां से सूचना मिली हमारे जो एसओ साहब को कि सिरपुड़ा से जो है इंतजार कुरैशी सनौब असगर अली, ये इस्लाम नगर के रहने वाले हैं। ये बकरी का खरीद फरोख्त करते हैं, जो यहाँ पे यहाँ आ रहे थे उन्हीं के साथ में वहीं से सिरपुड़ा से ही कासगंज से लोग तीन लोग लग गए थे पल्सर गाड़ी पर। तो इनको ये अनुभव नहीं हुआ, चूंकि उनको ये पता था पीछे पीछे आ रहे हैं, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही एकांत जगह मिली तो उन्होंने उसमें जो है उसने जो गाड़ी को रोका, रोक के बाद उनके पैसे चढ़ाने गए, तो इसने जो आपस में जो है लाई झगड़ा हुआ और उन्होंने जो पैसे जो है